मित्रों नमस्कार, मैं पंडित लाल बहादुर शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से आप सभी मित्रों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों आज का हमारा ज्योतिष का विषय है धन आगमन हेतु करें हमारा यह उपाय और पाएं जीवन में धन का भंडार। मित्रों जैसा कि धन एक ऐसी वस्तु है जो कि मनुष्य के पास आने के लिए मनुष्य कठिन परिश्रम करता है, लेकिन उसके बावजूद भी धन का आगमन नहीं होता। कई बार धन का आगमन की बात तो अलग है, धन के लिए प्रयास करने के बावजूद उस मनुष्य के ऊपर कर्ज का बोझ चढ़ता है तथा धन उससे कहीं न कहीं किन्हीं भी परिस्थितिवश उससे दूर चला जाता है और धन के अभाव में जीवन भर मनुष्य जो है परेशान होकर अनेक प्रकार के प्रयत्न करने के बावजूद अपने भाग्य को कोसता है तथा अनेक प्रकार के उपाय और कार्य करके जब धन का जीवन में अभाव देखता है तो मन उसका जो है हीन भावना से ग्रसित होकर किन्हीं प्रकार के भी उपायों पर उसका ध्यान जो है नहीं लगता और ना ही विश्वास होता है। इसी चीज को ध्यान रखते हुए मैंने शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल के माध्यम से अपने सभी मित्रों भाई बंधुओं बुजुर्गों बहनों के लिए ये उपाय आप सभी के सामने लाने के लिए ये प्रयास किया कि इस उपाय को करने से होने वाली समस्या धन के आगमन संबंधित धन संचय या धन किस रास्ते से आए तथा किस तरीके से आए किस प्रकार आमदनी का योग बढ़े इसी को ध्यान रखते हुए मित्रों ये ज्योतिष संबंधित विचार जिसके जन्म कुंडली में ग्रहों के दोष के कारण धन का आगमन नहीं बनता, मंगल आदि अशुभ होने से जीवन में ऋण का योग बन जाता है, कर्ज का बोझ चढ़ जाता है, मकान भवन इत्यादि स्थिरता नहीं रहती तथा जीवन में दूसरों को दिया गया धन जल्दी वापस नहीं आता या धन डूबने की संभावना हो जाती है जन्म कुंडली के अनुसार, उसी को ध्यान रखते हुए ये ज्योतिष संबंधित टोटका आप सभी लोगों के लिए मित्रों के लिए बड़ा कारगर होगा। तो आइए मित्रों हम बताते हैं कि आप किस तरह ये हमारा ज्योतिष संबंधित टोटका करके जीवन में धन से संबंधित सफलता प्राप्त करें। इसके लिए मंगलवार के दिन यह उपाय प्रारंभ करना चाहिए और लगातार 21 मंगलवार तक आपको यह उपाय करना है। हर मंगलवार को सभी कर्मों से नित्य कर्म से निवृत्त होकर अर्थात स्नान आदि से पवित्र होकर एक जटा वाला नारियल जिसको ऊपर उसके ऊपर 1.25 मीटर लाल कपड़ा, ये ध्यान रखें कि कॉटन का कपड़ा हो या सूती हो, उस कपड़े को 1.25 मीटर उस नारियल के ऊपर लपेट लें और उसके बाद 21 बार उस नारियल और कपड़े के ऊपर कलावा लपेटें। कलावा जिसको मोली कहा जाता है, मोली स्वच्छ और साफ हो ये ध्यान रखें कि काफी दिन की पड़ी हुई गंदी मोली ना हो, स्वच्छ और साफ मोली का ही प्रयोग करें। उसके पश्चात 21 कुमकुम का जो सिंदूर होता है उसको पानी में घोलकर 21 बार उस नारियल और बंधी हुई मोली के ऊपर कपड़े के ऊपर 21 बार कुमकुम का टीका लगाएं। कुमकुम का टीका लगाते समय एक मंत्र का जाप अवश्य करें। मंत्र है साधारण मंत्र है जो कि सभी को पता है, सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। इस तरीके से एक बार मंत्र टीका लगाएं तो इसी मंत्र को एक बार जाप करें। इस तरीके से 21 बार इस मंत्र का जाप करते हुए 21 बार कुमकुम का बिंदी जैसा टीका लगा दें, गोल टीका लगाएं। उसके पश्चात ये सभी कार्य जो आपको करना किसी भगवान देवी आदि भगवती की समकक्ष अर्थात उनकी कोई तस्वीर या कोई पूजन के समय जहाँ पूजन का स्थान है वहाँ पर बैठ के इस कार्य को करें। नीचे जमीन पर आसन बिछाकर उसके ऊपर बैठकर पूर्व दिशा की ओर मुख करके शुद्ध वस्त्र पहनकर इन सभी कार्य को करें। उसके बाद अपने मस्तक से 21 बार उसार कर अपने पूजा स्थान में रख दें। जब 21 बार शरीर से अपने सिर से बार उसको घुमाएं, सीधे की तरफ आपको उस नारियल को घुमाना है, राइट साइड में 21 बार घुमाएं और हर बार घुमाने के पश्चात अर्थात एक बार घुमाने के पश्चात क्लॉक वाइज जब ले जाएं सीधे राइट हैंड की तरफ सीधे हाथ की तरफ तो हर बार घुमाने के बाद मस्तक से लगाकर हर बार घुमाएं। इस तरीके से 21 बार घुमाएं। उस टाइम मित्रों आप सभी को एक मंत्र का जाप 21 बार करना है। वो मंत्र है आप हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल में आपको हमारे इस यूट्यूब पर भी लिखा हुआ भी दिखाई देगा और हम आपको बोल के ही बता रहे हैं, इसको आप सुन लीजिए। मंत्र है सर्व बाधा विनिर्मुक्तो धन्य धान्य सुतान्वितो मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशयः। ये मंत्र दुर्गा सप्तशती का बड़ा सिद्ध मंत्र है जिसको करने से जीवन में सही प्रकार की कठिनाइयां दूर होती हैं और धन संबंधित आगमन का योग बनेगा। इस प्रकार इस मंत्र को 21 बार जाप करते हुए हर बार एक मंत्र का जाप करते हुए अपने मस्तक से घुमाएं। उसके बाद पश्चात इस नारियल को अपने पूंजा स्थान पर रख दें और
वहीं पर बैठकर सुंदरकांड का पाठ कर। ये पाठ आपको मंगलवार के दिन, जैसा मैंने पहले बताया कि मंगलवार के दिन से प्रारंभ करके हर मंगलवार को करना है। लेकिन अगर आप सुंदरकांड का पाठ करने में आपको समय ज्यादा लगता है, मन की स्थिरता नहीं होती, कई बार समस्याओं का सामना करने के पश्चात सुंदरकांड का पाठ नहीं हो पाता है, तो आप वहाँ हनुमान चालीसा का बैठ करके पाठ कर सकते हैं। हनुमान चालीसा का पाठ भी करने से ये कार्य सिद्ध हो जाएगा। उसके पश्चात श्रद्धा अनुसार मन के भाव से अपनी मनोकामना का ध्यान रखते हुए उस नारियल को शुद्ध बहते हुए पानी या तालाब में प्रवाहित कर दें। इस प्रकार यह कार्य आपको 21 मंगलवार तक करने से आपको धन से संबंधित परेशानियों का जो सामना कर रहे थे वो तो दूर ही होगा। आपके जीवन में अगर किसी प्रकार की मनोकामना है, आप और किसी चीज की प्राप्ति की इच्छा करते हैं, उसमें धन, प्रेम, संतान तथा भवन, मकान इत्यादि की, अगर आपके मकान इत्यादि मनोकामना की इच्छा है, तो उस कार्य के लिए भी आप इस उपाय को करके अपने जीवन में उस मनोकामना को पूर्ण कर सकते हैं। इस प्रकार मित्रों, मैंने ज्योतिष संबंधित विचार आप सभी लोगों को बताया। आप हमारे बताया हुआ विचार कैसा लगा, आप हमारे कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें, तथा हमारे शुक्ला ज्योतिष केंद्र यूट्यूब चैनल को नीचे दिए गए लाल बटन को सब्सक्राइब करके हमारे साथ जुड़कर ज्योतिष संबंधित आने वाले नए नए विचारों की जानकारी लेते रहे। मित्रों, आज का ज्योतिष विचार यही समाप्त होता है। फिर से एक नया विचार लेकर कुछ समय पश्चात फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए मित्रों, नमस्कार।